हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो वाकई स्पेशल है और ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो ये प्लान करते थे कि कैसे मैं अपनी वाइफ को एज अ स्टूडेंट भेजूं और मैं उसके साथ में स्पाउस वीज़ा लगा के जाऊं। मतलब स्पाउस और स्टूडेंट का वीज़ा हम लोग इकट्ठा कैसे अप्लाई करें। आज मेरे साथ में कैंडिडेट हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं दोनों। जो वाइफ है वो जा रही है स्टूडेंट वीज़ा पे और जो हस्बैंड है वो जा रहे हैं कैनेडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे। अच्छी बात यह है कि इनकी एप्लीकेशन हमने एक ही दिन अप्लाई की और आज सेम डे इनकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट दोनों की इकट्ठी आ गई है। तो इनको मैं लक्की भी कहूँगा क्योंकि बाकी जो पहले एप्लीकेशन ऐसी थी जिसके अंदर हमने स्टूडेंट का और स्पाउस का वीज़ा इकट्ठा अप्लाई किया था, उसमें ऐसा देखा गया था कि स्टूडेंट का वीज़ा आ गया और स्पाउस का वीज़ा तकरीबन 15-20 दिन 25 दिन के बाद आया। तो ये लक्की हैं क्योंकि आप लोग वाकई लक्की हो, आप दोनों के जो वीज़े हैं ना सेम डे पे आए हैं। इससे पहले जो कॉन्करेंट वीज़ा, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्करेंट वीज़ा, के अंदर जितनी एप्लीकेशन हम लोगों ने लगाई है ना, उसमें स्टूडेंट का तो वीज़ा आ जाता है पहले और स्पाउस का वीज़ा 15 दिन बाद 10 दिन बाद आता था। ठीक है, और सपोज करो साथ में कोई बच्चा भी है, क्योंकि कॉन्करेंट के अंदर आप स्टूडेंट, स्पाउस और अगर बच्चे हैं उनका डिपेंडेंट वीज़ा भी लगता है। तो लेकिन आप लोग लकी, इसलिए मैं बारी बारी कह रहा हूँ क्योंकि सेम डे लगती है फाइल और सेम डे आप लोगों का वीज़ा का अप्रूवल, पासपोर्ट रिक्वेस्ट इनकी आ जाइए, आज वो सेम डे आ गई। चलिए, कैसा लग रहा है जी? फिर सर अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है। सोचा ही नहीं था ऐसा भी हो जाएगा, वीज़ा आ जाएगा दोनों का और वो भी एक साथ। जब आप पहली दफ़ा मेरे पास आए थे ये इस वीज़ा के बारे में आपने डिस्कस किया था, हाँ जी, तो आपने मेरे को बताया था कि मैं पहला ही इंसान आपको मिला था जिसने कहा था कि आप दोनों की फाइल इकट्ठी लगेगी, हाँ जी, और आप इकट्ठी जाओगे। हाँ जी सर, आपने ही बताया है हमें कि दोनों की फाइल, ऐसा क्राइटेरिया है वहाँ पर कुछ कि आप दोनों एक साथ फाइल लगा सकते हो और आपका आ भी जाएगा। सर ने ऐसा मतलब 100% श्योरिटी नहीं दी थी, पर 90% सर ने बोला था कि हमने कोशिश 100% की है और आपका हमारी तरफ से 100% ही आना चाहिए। तो अच्छा लगा दोनों का एक साथ आया। आज ही हमें सुबह सर की कॉल आई थी कि आप दोनों का वीज़ा एक साथ आया, तो लकी हो आप। हाँ जी चलो, ये जो वीज़ा है ना कॉन्क्रीट वीज़ा जिसके अंदर हम स्पाउस का स्टूडेंट का जैसे इकट्ठा लगाते हैं, ये बहुत सारे लोग नहीं करते और सब लोग इसको मतलब कहते हैं नहीं नहीं जी ये नहीं होना। अब रादर एक्सपेरिमेंट आपके, आपने भी किए थे, लोगों से मिले थे, ठीक है ना, तो किसी ने इस पर हाथ तो नहीं भरी। हाँ जी, नहीं है ना, तो इसलिए नहीं भरी क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ दो तरह के लोग हैं, या तो वो स्टूडेंट करते हैं या बहुत थोड़े से लोग हैं स्पाउस का वीज़ा करते हैं। तो ग्लोबिस जो कंपनी है हम लोगों की, आई थिंक पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा कैनेडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट हम ही करते हैं। आप अगर YouTube पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे टेस्टिमोनियल पड़े हम लोगों के, वो लोग जिनके वीज़े हमारे यहाँ से लगे। और बहुत सारे लोग जब ये देखते हैं ना कि किसी का के भी स्टूडेंट भी है और स्पाउस भी है, ऐसा ना हो कि इसके चक्करों में स्टूडेंट का भी ख़राब हो जाए, तो ये धारणा बहुत ज़्यादा है। इस करके बहुतों को तो पता ही नहीं है कैसा हो सकता है, जिनको पता भी है वो रिस्क नहीं लेते। हाँ जी ठीक है, आई थिंक यही जानकारी मिली थी आपको। हाँ जी हाँ जी। चलो ये तो एक बात हो गई, अब आप एक बार बताओ कि जब हम बात करते थे आपकी एप्लीकेशन के बारे में, कागज़ों के बारे में, कितने कोखे थे, मतलब क्या लगता था कि ये तो इम्पॉसिबल डॉक्यूमेंट है, ऐसा कुछ था बीच में? नहीं सर, जो मेन डॉक्यूमेंट्स थे आपके, जैसे आपकी डिग्रीज और पैन कार्ड और ये जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट होते हैं, सिर्फ वही लिए सर ने। और सिर्फ हम एक ही बार आए हैं यहाँ पे और वो भी फाइलिंग मेरे बैंड स्कोर के बाद आए थे कि सर हमें बताइए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके बाद हम आ जाए हैं। तो पेपर वर्क ऐसा हमारी तरफ से तो कुछ नहीं हुआ, सब सर ने ही किया। आपका तो स्टूडेंट का था, तो आप ज़्यादा वरीड थे स्टूडेंट के लिए जो चाहिए, आरटीए स्कोर हो गया, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो गया, है ना। आपके हस्बैंड का था स्पाउस वीज़ा, तो स्पाउस वीज़ा जितने भी एप्लीकेंट्स, जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं ना, उनको एक ही क्वेश्चन सबसे बड़ा होता है कि फ़ंड, हाँ जी, कि फ़ंड्स कितने चाहिएंगे, कितने पुराने चाहिएंगे। और आपके जो अकाउंट के अंदर फ़ंड थे वो बहुत ज़्यादा थे, कितने पुराने थे वो थोड़ा सा जो लोग देख रहे हैं इनको बताओ कि ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोगों ने हवा बनाया हुआ बहुत सारी चीज़ों का। तो मेरे हिसाब से फ़ंड ज़्यादा का चक्कर नहीं है, फ़ंड समझदारी वाले फ़ंड हों, आपके अपने फ़ंड हों, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप बताएं प्लीज़ कि आपके साथ किस तरह से। सर जब मैं आपसे मिला था तो आपने मेरे को बताया था कि भाई फ़ंड ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के चलेंगे, तो मैं 3 महीने तक तो फ़ंड मतलब अरेंज नहीं कर पाया था, उस टाइम थोड़ा हाथ चल रहा था काम।
तो मेरे जो वैसे मेरे अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स चल रही थी कि भाई इतनी ट्रांजेक्शन्स नहीं थी, पर ठीक था मेरे अकाउंट का ट्रांजेक्शन, पर मैंने जो स्टेबल जो आपने जितना फंड मेरे को स्टेबल रखने के लिए बताया था वो मैंने 2-2.5 महीने के अंदर आपको दिया, और उसके मतलब जब मेरे को 2-2.5 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए थे तभी आपने मेरी स्टेटमेंट मांग ली थी, तो मैंने आपको स्टेटमेंट दी, उसके बाद आपने स्टेटमेंट लगाई तो रिजल्ट आपके सामने है सर। मैं तो थैंक यू करना चाहूँगा सर, क्योंकि जो आज के टाइम में जो काम चल रहा है उसके भी आप पे सर बहुत ज़्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मतलब लोग बाग फंड दिखाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसे ऐठ रहे हैं लोगों से, वह मेरे 2-3 जानकारों में ये हुआ है। अच्छा कि हाँ जी, फंड दिखाने के चक्कर में उन्होंने उनसे पैसे लिए कि भाई हम फंड शो करेंगे, अच्छा, और आपसे इतना चार्ज हम लेंगे। तो ऐसा आप पे विश्वास भी था सर, ये है कि भाई जो काम किया आपने मेरे को लाइन दिखाई, मैंने सारा काम अपने आप किया, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट कोई कुछ ज़्यादा टेंशनबाजी हुई नहीं सर। कोई भी काम करते हैं उसमें दिक्कत आती है, बिल्कुल सर, ठीक है ना, तो आपको क्या दिक्कत आई इस फाइल में, कोई ऐसा पॉइंट है कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में इस जगह पे मेरे को ये दिक्कत आई सर? वो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको आई ना, हाँ जी, आपने उसका सलूशन किया, बिल्कुल, तो ऐसे ही जो देखने वाले हैं ना इनको भी अगर किसी को वो प्रॉब्लम आ रही है, हाँ जी, तो वो लोग कैसे उसका सलूशन करें, आपके इसमें क्या दिक्कत आई सर? मेरे को तो वैसे तो मेरे मतलब सच्चाई बताऊं सर, मेरे को तो ना जब डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने थे मेरे को तो कब पता ही नहीं चला कब मेरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए, अच्छा, कब मेरी फाइलिंग का प्रोसेस चल गया, मतलब सारा काम सिस्टमेटिक वे से चला सर, सब काम आराम से हो गया, मेरे को कभी वो प्रॉब्लम आई नहीं इस बारे में। बाकी प्रॉब्लम तब आती है जब एजेंट उनको बकाने की कोशिश करता है जी, अच्छा, जब उनको मतलब राह दूसरी दिखाता है, इस उसमें प्रॉब्लम आती है, जब सीधी सीधी तरीके से आप मेरे को बताओगे कि भाई ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट आपको पूरे करने हैं, लीगल तरीके से कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती सर, अगर आप इन लीगल तरीके में जाओगे उसमें प्रॉब्लम तो क्रिएट होंगी सर, आपकी तरफ से भी हमारी मेरी तरफ से। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट था फाइल के अंदर जो आपको लगा भी ये तो डॉक्यूमेंट मैं तो नहीं बना सकता? नहीं सर, पूरी फाइल में मेरे को कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं लगा जी कि भाई जिसमें मेरे को बनाने में प्रॉब्लम आई हो, क्यों मतलब हमने कोई ऐसा इनलीगल डॉक्यूमेंट के लिए ना रिक्वायरमेंट हुई थी हमारी, ना हमारी तरफ से कोई लगाया गया, हमारे मतलब स्मूथ फाइल लगी है, स्मूथ काम हुआ है, कोई टेंशनबाजी हुई नहीं हमारी फाइल में सर। इनकी एप्लीकेशन की टाइमलाइन मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। इनकी फाइल लॉन्च हुई थी 7th of January 2022 को, उसके बाद बायोमेट्रिक इनके हुए थे 17th of January 2022, फिर उसके बाद में जो मेडिकल अपडेट इन सिस्टम हुआ था स्टूडेंट का हो गया था 01 फरवरी को, और स्पाउस का हुआ था मेडिकल अपडेट 24th of February को, उसके बाद डायरेक्ट इनकी PPRE आई आज, और आज डेट है 2nd of May। तकरीबन 116 दिन इनके पूरे प्रोसेस में लगे। यस सर, ठीक, तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं एक चीज़ ये समझाऊँ कि ये पॉसिबल है कि आप अपना स्टूडेंट वीज़ा और स्पाउस वीज़ा और साथ में अगर आपके बच्चे भी हैं वो वीज़ा आप इकट्ठा अप्लाई करके आप इकट्ठे कनाडा जाने का प्लान भी बना सकते हो। जैसे पहले मैंने कहा कि ग्लोबिज जो मेरी कंपनी है ये सबसे ज़्यादा कनाडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट में डील करती है, बहुत अच्छे लोगों के रिजल्ट्स भी आते हैं। अब वो सारे के सारे मेजोरिटी वो लोग हैं जिनके स्पाउस ऑलरेडी जा चुके थे तो उसके बाद में उन्होंने फाइल लगाई थी, तो हम लोग उनको समझाते थे ये चीज़ कि आप अपनी फाइल इकट्ठी लगा लो, हो सकता है उनके अपने कुछ पर्सनल कारण रहे होंगे, लेकिन अब अगर किसी ने कोई शादीशुदा है बच्चे हैं और अगर वो चाहता है कि वो कनाडा सभी के साथ इकट्ठा ट्रेवल करे तो अभी कॉन्करेंट वीज़ा पॉलिसी के अंडर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन बहुत सिंपल है, जैसे उन्होंने बताया आपको कि ऐसा कोई पेपर नहीं था कि जो तैयार होने वाला नहीं था या उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है, सिर्फ इसके अंदर एक प्लानिंग है कि आपको इस तरह की एक एप्लीकेशन को प्लान करना पड़ता है, प्रॉपर टाइम को समझना पड़ता है, क्योंकि रिश्ता बेस केस है, रिश्ते को समझना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन बेस एप्लीकेशन है, आपको डॉक्यूमेंटेशन को समझना पड़ता है। जहाँ तक फंड्स की बात करें, अभी इन्होंने बताया कि फंड्स के अंदर किस तरह के फंड्स इनसे मांगे गए थे, फंड्स में क्या होना चाहिए, तो ये वीज़ा एक डिस्कशन मांगता है। तो जो भी लोग ये वीडियो जिस भी किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग देख रहे हो, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जब आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपकी इच्छा है आप इकट्ठे अप्लाई करना चाहते हो, तो आप ये जो नंबर डिस्प्ले के ऊपर आ रहे हैं इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करो। यहाँ पर आके आप मुझसे टीम से अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करके इस कॉन्करेंट वीज़ा पॉलिसी के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो।
बहुत से लोग हम लोगों को कहते थे कि मेरे और भी इस टॉपिक पे वीडियोस हैं कि कॉन्केंट वीज़ा कैसे अप्लाई करें, कैसे क्या डॉक्यूमेंटेशन का है, उसका भी लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पर खूब सारे लोग मेरे को ये कहते थे, सर किसी कैंडिडेट से तो मिलवाओ। तो आज ये कैंडिडेट्स, इनकी PPR आई थी, कुदरती है दोनों ही हम लोगों के पास में आए। तो मेरी कोशिश थी कि मैं इनके थ्रू आपके पास इस पर्टिकुलर वीज़ा पॉलिसी के अंदर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या कितना दिक्कतें आई हैं, कि तरह का यह प्रोसेस है और कैसे आप इसको प्लान कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम लोगों ने इन दोनों के साथ में शेयर की। आज तो वीज़ा अप्रूव होके आ गया, क्या आपको ऐसा लग रहा था कि ऐसा पॉसिबल है? नहीं सर, आज मतलब जब हम आपसे मिलने आए थे फर्स्ट टाइम, जब हम मतलब आफ्टर आइल्स इनके आइल्स को हराने के बाद जब हम आपसे मिलने आए थे, उस टाइम मैंने काफ़ी बंदों से कंसल्ट किया था वहाँ पर कि भाई ऐसा हो सकता है। किसी ने भी मेरे को रिकमेंड नहीं किया कि भाई आपका इकट्ठा लग सकता है। उन्होंने सब ने यही बोला कि भाई पहले स्टूडेंट जाएगा, उसके बाद आप 3 महीने 6 महीने बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपके पास आया, फर्स्ट एजेंट आप थे जिन्होंने मेरे को ये बताया कि भाई आप दोनों इकट्ठे फ्लाई कर सकते हो। तो अच्छा लगा सुन के और रिजल्ट आज आपके सामने है सर, मैं तो बहुत खुश हूँ। बाकी थैंक यू सर आपका। ठीक है, जैसे ही हस्बैंड वाइफ दोनों खुश हैं, अगर आप भी चाहते हो अपनी एप्लीकेशन कैनेडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट की, स्टूडेंट की और अपने बच्चों की साथ में इकट्ठे लगा के इकट्ठे ट्रैवल प्लान करना चाहते हो, तो ये नंबर जो आपके पास जो डिस्प्ले पे आपको दिख रहे हैं, नंबरों के ऊपर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो और उसके साथ में आप अपनी एप्लीकेशन इन डिटेल डिस्कस करो और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन आप लगाओ। एंड में मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो के अंदर खूब सारे डिस्कशन हम लोगों ने कॉन्केंट वीज़ा पॉलिसी के ऊपर किए, तो मेरी रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से जो जिस भी किसी प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को देख रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दैट ऐसे बहुत सारे लोग जो इस तरह का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन के अभाव में अप्लाई नहीं कर पा रहे, वो लोग इससे कुछ समझें, सीखें और अपना वीज़ा फैमिली के साथ इकट्ठा अप्लाई करें। आप अगर इस चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन बटन है उसको भी क्लिक करें, सो दैट इस इंडस्ट्री के अंदर हो रहे चेंजेस, कॉन्केंट वीज़ा पॉलिसी, स्पाउस ओपन वर्क परमिट, स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड कोई भी अगर चेंज कभी आता है तो मेरी इच्छा होती है कि मैं साथ के साथ वीडियो बनाऊँ और जो लोग भी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उन तक हम लोग अपनी पहुँच करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, आपका वीज़ा आ गया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।